पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भली पीस खाए संसार। काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। धार्मिक पाखंड के विरुद्ध इस तरह की वाणियां पहचान है उस संत की जो अध्यात्म का आधार है, जिनकी वाणी के बिना सब संत समागम अधूरे होते हैं। हम बात कर रहे हैं कबीर जी की, काशी वाले उसी धाड़क कबीर की जिनकी महिमा सभी धर्म ग्रंथ करते हैं। कबीर जी ने हर प्रकार के धार्मिक सामाजिक पाखंड का अपनी मार्मिक वाणियों द्वारा घोर विरोध किया और हमें एक नई दिशा व सद्ज्ञान देने का अटल प्रयास किया। वेद पढ़े पर भेद न जाने बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। कबीर गला काट बिस्मिल करें वे काफिर बेबूजम, औरा काफिर बता वही अपना कुफर न सूजम। इसी तरह जात पात के ऊपर भी कबीर जी ने अपनी अमर वाणी बोली है। काहे को कीजे पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार। हमरे कैसे लोहू तुमरे कैसे दूत, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूत। कबीर जी इस तरह की वाणी सुनाते ही रहे और यही संदेश सुनाते सुनाते अपने सतलोक में सह शरीर चले गए। और कबीर साहिब जी जाते जाते भी 120 वर्ष की आयु में ऐसी भ्रांति को दूर कर गए जो उस समय पंडितों ने फैला रखी थी। काशी के तो पंडित कूके मगहर मरो न कोई, वातो पृथ्वी सूची नाही त्रिसंख पड़ा बिलाए। उस समय हिंदू धर्म गुरुओं पंडितों ने एक प्रथा बना रखी थी कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है तथा जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है। कारण यह बताया जाता था कि मगहर नगर शिव के श्राप से श्रापित है, वहाँ की आमी नदी भी शिव जी के श्राप से सूख गई थी। यह धर्म गुरुओं का मनमाना आचरण बताते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं, भूमि भरोसे बूढ़ ही कल्पत है दहुदीन, सबका सदगुरु कुल धनी मगहर बये ल्योलीन। इस वाणी में कबीर साहिब जी समझाते हैं कि मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नरक, यह मनुष्य के कर्म आधार से निर्धारित होता है। परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति नहीं करने वाला व्यक्ति दुनिया की किसी भी जगह मृत्यु को प्राप्त हो उसे नरक ही प्राप्त होगा। मुक्ति खेत मथुरापुरी वहाँ कीना कृष्ण की लोल, कंस केसी चानौर से वहाँ फिरते डामाडोल। परमात्मा कहते हैं कि मथुरा जिसे आप लोग मुक्ति का धाम बताते हो क्योंकि श्री कृष्ण जी ने वहाँ लीलाएं की थी, लेकिन उसी मुक्ति धाम में कंस केसी चानौर की दुर्गति से मृत्यु हुई। परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग नर्क कर्म आधार से प्राप्त होते हैं, किसी जगह विशेष पर मरने से नहीं। कबीर जी ने इसी भ्रम का निवारण करने के लिए कहा कि मैं मगहर में अपना शरीर छोड़ूंगा और तुम सब देखना कि मैं कहाँ जाऊँगा। इस बात से हजारों की संख्या में लोग निश्चित दिन मगहर में पहुँच गए। कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूँगा। राजा ने बताया कि यहाँ एक आमी नदी हुआ करती थी जो भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी है। कबीर जी ने उस नदी की तरफ अपने हाथ से इशारा किया जैसे ट्रैफिक पुलिस वाहनों को चलने का इशारा करती है। इशारा करते ही थोड़ी दूरी पर एक बम फटने जैसी आवाज़ आई और नदी पानी से भरकर चल पड़ी। सभी ने यह लीला देखकर कबीर जी की जय जयकार की और नदी में स्नान किया। कबीर परमात्मा की लीला का आज भी जीवित प्रमाण है और आज भी आमी नदी में पानी बह रहा है। मगहर के नवाब बिजली खान पठान व काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल जो कबीर जी के शिष्य बन चुके थे वो दोनों ही अपनी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच गए थे। स्नान करने के बाद कबीर जी ने उनसे पूछा कि सेना किस लिए लाए हो। दोनों राजाओं ने गर्दन नीची कर ली। तभी वहाँ खड़ी भीड़ में से आवाज़ आई कि मुस्लिम लोगों ने कहा, आप हमारे पीर हैं, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। हिंदुओं ने कहा कि हम कटकर मर जाएंगे लेकिन भगवान आपका शव इनके हाथ नहीं लगने देंगे। दोनों धर्म के लोगों को एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू देख कबीर जी ने कहा कि अरे नादानों, क्या 120 वर्ष तक तुम्हें यही शिक्षा दी मैंने। सभी शर्मिंदा हो गए। कबीर जी ने आदेश दिया कि यदि आपस में लड़े तो तुम सबको मेरी 3 तलाक है। मेरे जाने के बाद शरीर के स्थान पर जो कुछ भी मिले आधा आधा बांट लेना, लेकिन लड़ना मत बच्चों। भक्तों ने एक चद्दर बिछाकर उस पर सुगंधित फूल डाल दिए, उस पर कबीर जी लेट गए।
एक चादर ऊपर डाल दी, थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई, उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो एक अद्भुत प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा था। आकाशवाणी में कबीर साहिब जी ने पंडित और ज्योतिषियों से कहा कि खोलो अपने पत्रे और देख लो मैं कहाँ जा रहा हूँ। सबने देखा और कहा कि यहाँ तो सब नक्षत्र ही बदल गए हैं, ये तो स्वर्ग से भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तभी तुरंत चद्दर हटाकर देखा तो दोनों चद्दरों के बीच में सुगंधित फूल मिले, जिसे देखकर सभी हिंदू मुसलमान जो लड़ाई करने वाले थे वो आपस में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। सभी एक दूसरे के गले लगकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बच्चों की माँ मर जाती हो, जैसे वो अनाथ हो गए हों। संत गरीबदास जी की अमर वाणी है, काशी तज गुरु मघर आए दोहु दीन के पीर, कोई गाडे कोई अगन जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। आधे फूल एक चद्दर हिंदुओं ने व आधे फूल और दूसरी चद्दर मुसलमानों ने ले ली और वहीं पर साथ साथ यादगार बना दी। इसका प्रमाण मगहर में आज भी है और पूरे विश्व में केवल मगहर को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एक व्यक्ति की एक ही स्थान पर समाधि और मजार दोनों हो। अतः कबीर जी हमें जाते जाते भी ये संदेश देकर चले गए कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहें सो दो जग जाई। कहां तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध होना था और उसके विपरीत परमात्मा की दया से दोनों दीन हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ा, लेकिन परमेश्वर दयालु है, उन्होंने जाते जाते भी उस अनर्थ को टाल दिया। तभी तो कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वो परमेश्वर, वो संत जो विनाश से बचाने वाला है, जो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है, वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी, जो वर्तमान में पाखंडवाद को खत्म करते हुए सत्य भक्ति का मार्ग चला रहे हैं। मानव समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाएं।